वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर आज हमारा दो आ चुका है, जिसमें आपको 250 एमसीक्यू राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलते हैं। राजस्थान जीके में इतिहास, भूगोल, कराई संस्कृति, राजनीति विज्ञान, करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको इसमें 50 क्वेश्चनों में मिलते हैं। तो डेली लाइव शाम 7 बजे आपको ये क्लास मिलती है। परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो जितने भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉडल टेस्ट, क्योंकि इन मॉडल टेस्ट को अच्छे तरीके से निकालिए। क्योंकि आपको पता है कि जीके ही जो है हार्ड आता है इसमें। जीके के आपके लगभग 40 से 45% सही होने चाहिए, इसीलिए डेली आपको मॉडल टेस्ट पेपर है निकालना होगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं हम। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और जॉर्ज थॉम्स के नाम द्वारा कौन सा नाम किया राजस्थान का? राजपुताना के नाम से किसे जाना गया? तो जॉर्ज थॉम्स ने इसका नाम दिया था। कर्नल जेम्स टोड, इन्हें घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से बात करें तो बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। और भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों में हमारा एक क्या आता है? राजस्थान आता है। और राजस्थान में कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिले हैं जहां से क्या है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12, ठीक है क्या? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? मेवात को कहते हैं अलवर भरतपुर, सही है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सही है। भूमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, गलत है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, एनलाइंड एंटीफिकिटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी? जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। देखिए, राज्य में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? बड़ा ही गजब का प्रश्न है और ये इस कंफ्यूज करने वाला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, तो ये होता है कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। सूर्योदय भी जो उदय भी होता है वो धौलपुर से होता है, और अस्त भी कहाँ पे होता है? धौलपुर में होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? यहां से प्रश्न एक बार पक्का पूछा जाता है। तो देखिए, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से गुजरती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को कहते हैं। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं, लेकिन मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहते, ये आपको याद रखना है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर। किसको? जोधपुर को कहते हैं, ये आपको याद रखना। नीला शहर या ब्लू सिटी आ जाए तो जोधपुर करना है आपको। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? अजमेर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल यानी वर्तमान जिले या सुमेलित नहीं है इनमें से बताना है? सीवी जी जो स्थान है उसको पहले क्या कहते थे? चित्तौड़गढ़। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे। स्पादलक्ष सीकर व झुंझुनू को। अर्बुद सिरोही, तो ये स्पादलक्ष सीकर व झुंझुनू वाला नहीं है, अजमेर वाला स्पादलक्ष अजमेर में है। अर्बुद सिरोही को कहते थे पहले, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक पूछा जाता है, अहि छत्रपुर, कौन सा? अहि छत्रपुर, ये किसका नाम था प्राचीन? नागौर का, ठीक है, अब आपको याद रखना है, ये नागौर का है, ठीक है। योद्यापुर, योद्या प्रदेश, ये कौन सा है? मानगढ़ और गंगानगर, इसको कहते हैं। आगे देखिए, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? जैसलमेर यानी पश्चिमी राजस्थान को प्रस्तुत करता है, तो ईएडी, कौन सा? ईएडी, ये आपको याद रखना है। थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर, जैसलमेर आ जाए तो ये ईएडी करना है, यानी पश्चिमी राजस्थान।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, दक्षिण या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून जब आता है तो वो अरब सागर की शाखा है वहां से अधिकतम वर्षा कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो अपना हो जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? AW प्रकार की, तो ये कहाँ नहीं पाई जाती है? सिरोही जिले के अंदर नहीं पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है, आद्रता के कारण बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, लेकिन सिरोही में नहीं पाई जाती है। अगला देखिए, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो माही कंचन और माही धवल है मक्का की फसल, इसकी है मक्का की फसल है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? यहां से प्रश्न पक्का पूछा जाता है, तो रबी की गेहूं हो जाएगा इसमें, कौन सा? गेहूं। बाजरा खरीफ की फसल है, जब हम नरमा कपास की बिजाई करते हैं तब बाजरा उगाया जाता है, जूट और मूंगफली ये सारे क्या है? खरीफ की है, और गेहूं क्या है? रबी की फसल है, ये आपको याद रखना है। देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर, ये आपको याद रखना है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग जो है मिल भीलवाड़ा के अंदर। आगे देखिए, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित की है? क्योंकि ये पहली बार CET एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है BSTC पूछा जाए। तो राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? निमराणा अलवर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। जब आप बिस्किट खाते हो तो उस पर लिखा होता है, आप अच्छे तरीके से बिस्किट के जो ऊपर पॉलिथीन की थैली होती है उस पर देखना, आप लिखा होता। आगे देखिए, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी? अब देखिए, इसने क्या पे है, एक तो याद रखना है आपको कि राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स है, और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ब्यावर अजमेर के अंदर हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था? प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी के अंदर, प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? तो अहाट संस्कृति को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है? सीकर जिले के अंदर, ये आपको याद है, सीकर जिले के अंदर है। एक ताम्रविहीन सभ्यता है और कांतली नदी के ऊपर है, कौन सी? कांतली नदी के ऊपर स्थित है, सीकर जिले में है, गणेश्वर सभ्यता और ताम्रविहीन सभ्यता है, ठीक है, ये आपको याद है। यहाँ पे है कालीबंगा, कालीबंगा है हनुमानगढ़ के अंदर, कालीबंगा सभ्यता है हनुमान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, और किस नदी पर है? घग्गर नदी के ऊपर है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आहाट सभ्यता है उदयपुर में, और बेराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है, बाणगंगा नदी पर जयपुर में है। देखिए, अगला है, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट किस यानी सभ्यता का नाम है और कहाँ पे स्थित है ये? तो धूलकोट है, आहाड़ को कहते हैं धूलकोट या अघाटपुर, तो आहाड़ के अंदर, आहाड़ को कहते हैं धूलकोट के नाम से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? किसकी बात कर रहे हैं? शाकंभरी चौहानों की, ठीक है, शाकंभरी चौहानों की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया अभिलेख 1170 का, कौन सा? बिजोलिया शिलालेख 1170 का अभिलेख शाकंभरी चौहानों का। अगला देखिए, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपि माला के अध्यक्ष थे, लेखक हैं। अगला देखिए, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर हट नामक ग्रंथ लिखा था चंद्रशेखर ने, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले हमीर रस हो तो जोधराज के द्वारा लिखा गया था, हमीर रस हो जोधराज, ठीक है, ये आपको याद रखना, जोधराज के द्वारा हमीर रस हो लिखा गया था, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान का प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था कृष्ण कुमार गोयल,
कौन था? कृष्ण कुमार गोयल, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पक्का कर लेना इसको। आगे देखिए, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949 के अंदर राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना होती है। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है। तो के गोयल जो है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक साथ चल के लेके चलेंगे प्रथम और सभी। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? ठीक है, नाड़ी, टोबा, जोहड़, नाली। ठीक है, तो नाली नहीं हो जाएगी इसमें। ठीक है, नाली, नाड़ी है, टोबा है, जोहड़ है। देखिए, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? क्या कह रहा है कि जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, किस ब्राह्मणों द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संरक्षण विधि एक स्टार्ट की गई थी, उसे क्या कहते हैं? खड़ीन विधि कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या, कौन सी? खड़ीन। देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। कौन सा? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बेर एवं खजूर अनुसंधान के कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, याद रखना। बेर और खजूर अनुसंधान कहाँ पे बना हुआ है? बीकानेर के अंदर बना हुआ है। आगे देखिए, जो विद्यार्थी सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सुपड़ा साफ जो है टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, ₹50 इसका प्राइस है, फतेह सीरीज है ये, अच्छी तरीके से निकाल लीजिए। मैं कहता हूँ प्रत्येक एग्जाम में आपने देखे होंगे इंडिया के 15 प्रश्न पक्के हैं, कोई भी एग्जाम ले लो आप, आपने देखा होगा ईआरओ के अंदर सीधे के सीधे 20 प्रश्न आए थे, जिसमें राजस्थान के भी आए थे, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन सीधे के सीधे किसके? इंडिया के आए थे। तो देखिए, ज्योग्राफी जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो विश्व भूगोल, भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरा साल का करंट अफेयर चाहिए, मैं पढ़ता जाऊं मंथली वाइज, तो ऑल एग्जाम के लिए इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको मंथली वाइज पीडीएफ टेस्ट सीरीज और फ्री पीडीएफ मिलेगी, इसमें ₹50 लगेंगे पूरे साल के। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जरूर ले, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? मरु विकास कार्यक्रम तो 1977-78 में, 1977-78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आईडी दुआ। कौन थे? आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। आगे देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? यहां से प्रश्न पक्का पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये है जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, और ऑप्शन इसी प्रकार आपको मिलेंगे, तो जोधपुर मत कर देना, जैसलमेर और बाड़मेर में। आगे देखिए, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र है, तो उमेदगंज आ जाए तो ये है कोटा जिले के अंदर। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए हैं? 27 हो गए हैं। ठीक है, अभी 27वां बना था आमली, आमली बांस उसके ऐसे करके ये 12 के अंदर बना था। ठीक है, 27वां, ये आपको याद रखना है, 27 हो चुके हैं, तो मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगा, प्रश्न लेकर आऊंगा कहां पर कौन सा बना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है इसमें, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावली है, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना है। तो इसमें जो हमें बताना है कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाना नहीं है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन के तहत ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दूधवा खारा आंदोलन आपको याद रखना है बीकानेर जिले से संबंधित है, दूधवा खारा आंदोलन। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है गुरु गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी, यहां से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? देखिए, चंबल नदी हमें बताना है, तो ये बहती है बूंदी, कोटा,
कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इन जिलों में जो है चंबल नदी बहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गागरौन का किला किन नदियों के संगम पर है? पक्का कर लेना, ये मोस्ट है प्रश्न बीएसटीसी का। गागरौन का किला है अपने कौन सी नदी पर है? ये गागरौन का किला आहू और काली सिंध नदी पर, कौन सा? आहू और काली सिंध नदी पर कौन सा बना हुआ है? गागरौन का किला बना हुआ है और ये है कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर है गागरौन का दुर्ग, और ये एक किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के मध्य चलेगी? तो अब करंट के प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, 10 प्रश्न मैंने डाले हैं। तो अजमेर से ये दिल्ली तक चलेगी, कौन सी? राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ये, जो अजमेर से दिल्ली तक चलेगी। देखिए, हाल ही में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? हाल ही में हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बांसवाड़ा जिले के अंदर हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है। देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस मंडल को टाइम्स रियल स्टेट का कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान मंडल आपको याद रखना, यह है राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान है आवासन मंडल को दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार अनीता बघेल को, किसको? अनीता बघेल। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार को प्रदान किया गया? सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया था मधु आचार्य आशावादी को, मधु आचार्य आशावादी को। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मधु आचार्य आशावादी। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 नए जिलों की घोषणा के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या हो जाएगी? तो ये बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब कुल 50 जिले हो जाएंगे, पहले कितने थे? 33 जिले से और प्लस 19, कितने हो गए? 50 जिले हो गए हैं, याद रखना आप, ठीक है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में मिलेट्स का कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? अब देखिए, हम पीछे वाले प्रश्न की चर्चा करें तो आपको ये प्रश्न किस प्रकार देगा वो देख लेना, ठीक है। किस प्रकार देगा वो, क्या पूछेगा कि राजस्थान में कितने जिले हैं, ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको अगर 50 नहीं दिया है तो आपको 33 ही करने होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना, कहीं 19 मत कर देना, ऑप्शन 19 में ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे पक्का कंफ्यूज करेगा, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मिलेट्स वाला अभी चल रहा है चर्चा में, तो जयपुर के अंदर किया गया था। आगे देखिए, 49 नंबर, हाल ही में मई 2023 में राजस्थान के किस जिले में लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो पक्का कर लेना, ये पक्का छपेगा, तो नागौर के अंदर, अभी ईआरओ के अंदर पूछ लिया, तो पक्का बीएसटीसी के अंदर पूछा जा सकता है। तो लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? नागौर जिले के अंदर मिले हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। तो ये आज हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं 50। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम इसी प्रकार आपको मॉडल टेस्ट उपलब्ध करवाते रहेंगे, बीएसटीसी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि जो हम प्रश्न करने वाले हैं हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डेली हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए कि कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम आपको जो करवा रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। ये देखिए हमारा है यहाँ पे प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम है चैनल, यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, आंसर आपको मिलेंगे इसके, और प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो करंट अफेयर्स की इस प्रकार, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।